मॉर्निंग एवरीवन और हैप्पी सैटरडे। तो आज सैटरडे मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग बना रही हूँ और यहाँ पे दो गुल्लो पोचा देखिए कैसे बैठा है। ये तो अभी अभी जस्ट वॉक करके आया है और ये अभी भी सोया है। आर्यन का मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, आर्यन का ये जो वैकेशन वाला मूड है ये कब उतरेगा इसका कुछ ठीक नहीं है, पर मेरा उतर चुका है। मैं भी पहले जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था ना और आर्यन के एग्जाम जब कैंसिल हुआ था तो मैं कितना सोती थी, रात तक काम करना पड़ता है तो सुबह उठने के बाद बहुत सोने का मन करता है कि करवटें बदलना बोलते ना कि इधर उधर या ये सब करती हूँ। अगर गहरा नींद ना भी आए तभी मैं ऐसी करती रहती थी। तो अभी धीरे धीरे मैं रूटीन पे आ रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना है क्योंकि बाद में जाके मुझे ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी बजे है 7:30। ऐसे 7:30 लोगों के लिए मॉर्निंग इतना ज्यादा मॉर्निंग नहीं होता बहुत लोगों के लिए, बहुत डिसिप्लिन लोगों के लिए, पर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ इतना ज्यादा, मैं सच बोल रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए अभी अगर ज्यादा बात करूंगी तो हमारे चाय में देर हो जाएगा। इतना क्यूट लगता है ना, दोनों पास पास जो सोए हुए रहते। तो चलिए चाय बना लेते हैं और आज होगा जबरदस्त का किचन का लुक चेंज। आज पूरा किचन का जो लुक है मतलब लुक लगभग ऐसा रहेगा। किचन का ये पार्ट बहुत गंदा रहता है ना हर टाइम, तो मेरा भी थोड़ा बहुत गंदा है, प्लीज डस्टबिन को मत देखना ना। अभी देखिए यहाँ पे विम लिक्विड, सारे सैनिटाइजर, सारी चीजें यहाँ पे बैक टू बैक है, जो कि दिखने में भी काफी मतलब मिस लगता है ना कि यहाँ पे बर्तन और यहाँ पे रहेगा ऐसे सारे चीजें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कुछ फेयरी लाइट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स या कुछ कैंडल्स से इस जगह को मैं सजाऊंगी। और ये जो वॉशिंग मशीन है इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं आपको एक चीज दिखा दूं, चाय बनाने से पहले ये दिखा दूं, मतलब मेरा और मिथुन का जो हाल है अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा है घर के साथ, बस हम दोनों ही समझते। पानी निकल रहा है क्योंकि एक्वागार्ड का एक फिल्टर फट चुका है और ये बाल्टी हमेशा यहाँ पे रखना पड़ रहा है, अदरवाइज हम पानी नहीं पी सकते, मतलब पानी एक्वागार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। और इस टाइम में एक्वागार्ड से कोई आ भी नहीं रहा है, टिकट ट्रेस हो चुका है पर वो लोग नहीं आएंगे, बोल दिया है साफ साफ। उसके बाद मिथुन ये जो काम कर रहे ना, अभी एक दो दिन बाद मुझे नहीं लगता इसमें और काम कर पाएंगे क्योंकि ये जो चार्जर है खराब हो चुका है। अभी 10% शायद चार्ज है ना, 7% है, 7% है मूवमेंट में जो चार्ज चला जाता है। तो अभी 7% चार्ज के बाद ये लैपटॉप और काम नहीं करेगा। और आप समझ सकते हो मिथुन का सारा काम, हमारा अकाउंट डिटेल्स, बैंकिंग का जितने भी काम है सब कुछ होता है इस लैपटॉप से। ये हैंड शावर का यहाँ से पानी लीक हो रहा है। प्लम्बर वगैरह कोई नहीं आएगा, मतलब किस हाल में हम रह रहे हैं आपको क्या बोलूं। मेरा लैपटॉप, मेरा डेस्कटॉप जो कि मैं, मेरा वीडियो एडिट होता है, मेरा यूट्यूब का सारे काम होता है, उसका दो यूपीएस खराब हो चुका है और लोड शेडिंग हो रहा है। अभी एक्सट्रीम लेवल पे लोड शेडिंग हो रहा है जिससे डेस्कटॉप भी खराब हो सकता है और खुद अमेजन का डिलीवरी बंद, सारे शॉप्स वगैरह बंद, कोई भी नहीं आ रहे। तो चलिए अभी चाय और दूध बना लेते हैं। आर्यन भी अभी उठ चुका है आज सुबह सुबह, तो आज दूध और चाय बना लेते हैं। कॉम्प्लेन करके तो कुछ होगा नहीं, तो कॉम्प्लेन क्यों करना। और वैसे भी हम इंसानों का थोड़ा बहुत ये रहता है कि अगर थोड़ा सा आप किसी को बोलो तो मन का दुख कम होता है और ये हमारा दुख ही है। Thank you.
एवरीडे रात को क्लीन करना नहीं हो रहा है डिनर का जितने भी बर्तन है वो, तो अभी मैं करूंगी मतलब चाय वाय पी के सबसे पहले वो करूंगी, उसके बाद मैं अपना वीडियो एडिट करूंगी और उसके बाद बाकी के रूटीन ब्लॉग को भी कंटिन्यू करूंगी और उसके साथ साथ बाकी के रूटीन। कौनटा तुम्हारा कौनटा मतलब कौन सा तुम्हारा कौन सा मेरा, क्योंकि इसमें एक में शुगर है और एक में नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि अभी से एक्चुअली ना मैं जब हिंदी ब्लॉग बनाती हूँ तब जब हम आपस में बात करते हैं वो भी अगर हिंदी में करूँ ना तो मुझे लगता है कुछ फेक फेक कुछ एक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हम बंगाली से आपस में जो बात करें वो तो हम बंगाली में कर सकते, पर अभी क्या हुआ बंगाली ब्लॉग स्टार्ट करने से सारे बंगाली व्यूअर्स वापस चले गए, यहाँ पे जो व्यूअर्स है वो बंगाली लगभग है ही नहीं, शायद अगर हो तो मुझे जरूर बोलना मतलब मैं हूँ बंगाली तो ज्यादा से ज्यादा मेरा नॉन बंगाली व्यूअर्स ही इस चैनल में भी रह गया है नॉन बंगाली व्यूअर्स ही, तो क्यों ना आपस में भी हम हिंदी में बात करें क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी वो लोग बोल बोल कर थक चुके हैं और अभी बोलते भी नहीं पर कुछ एक्ट कर जैसा लगता है कि एक्टिंग, हाँ तुमने ऐसा किया तुमने ऐसा किया ये बिस्कुट दो आर्यन पे लागू पब्लिक में रखो और दूसर तक सॉरी पूछिए सबसे ऊपर के शेल्फ पे हो जाता है आपस में बात करने में बेबाकी में हो जाता है क्या है ये देखिए ऐसे करके इसको लुहाना पड़ता है देखो क्या है ये गो 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 बेबी गो सिट 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 अभी हैंडल करने वाला कोई है नहीं कि सारे मेरे सोशल मीडिया को थोड़ा सा हैंडल करेगा ऑनलाइन और बाबा तो ये लॉकडाउन के पीरियड में तो और भी नहीं, पर उसके बावजूद भी मैंने ये खोला क्योंकि बहुत बहुत दिनों से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम बंगाली में अपना ये ब्लॉग ही बंगाली में करने के लिए बोल रहे थे कि तुम बंगाली जाओ तो हिंदी में क्यों बात कर रहे हो तुम बंगाली में ये ब्लॉग बना, नहीं नहीं भाई अभी बंगाली में ब्लॉग बना से क्या होगा कितने सारे नॉन बंगाली व्यूअर्स है दुख तो नहीं जाए बाबा आपका इंडियन ब्लॉगर बंगाली में वो खोलने के चैनल खोलने के बाद 1 लाख के आसपास व्यू आ रहा है करेक्ट okay. और आपका बंगाली चैनल में 50,000 के आसपास व्यू आ रहा है तो मतलब हाँ वही होगा वही अभी एग्जैक्ट हिसाब तो लगाना हाँ, बट जो भी सच बोलूं तो एक बात है कि मुश्किल होता है मेंटेन करना इतना चैनल बहुत मुश्किल होता है, मैंने इनको देखा हूँ थोड़ा बहुत कभी कभार मैं सपोर्ट करता हूँ लेकिन ज्यादातर यही 90% करती है मैं 10% करता हूँ, लेकिन इनका जो लॉजिक है मैंने बहुत बार मना किया कि इतना चैलेंज मत खोलो मत खोलो मत खोलो, तो इनका जो लॉजिक है वो भी सही है कि लोगों को बोर करने का कोई मतलब नहीं है, जिसको ब्यूटी देखना है वो आके कुकिंग देखेगा उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक्चुअली इस चैनल में सारे लोगों मतलब कुछ लोगों का मेरे कुछ व्यूअर्स के सजेशन है कि इतने सारे चैनल आप क्यों खोल रहे हो तो कुकिंग भी इस चैनल मतलब इंडियन ब्लॉगर शोमानी में सारी चीजें इंक्लूड कर दो, ब्यूटी भी कर दो रूटीन भी कर दो हाउस होल्ड भी कर दो कुकिंग भी कर दो, सो इसका कोई मतलब नहीं होगा आप लोग खमोखा बोर हो जाओगे कुछ लोग इससे हम लोगों का प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ इतने सारे चैनल मेंटेन नहीं करना पड़ेगा एक तो इतने सारे चैनल मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और दूसरा है यहाँ पे व्यू ज्यादा है सबसे तो जिस व्यू ज्यादा होने से हम लोगों का प्रॉफिट होता है, बाकी चैनलों में सिर्फ जो ब्यूटी देखना है 10-15,000 व्यू होता है तो उसमें डालने का कोई मतलब ही नहीं या फिर डाल सकती, पर लोगों को बोर करके कोई फायदा नहीं है। आपको अगर मेरा डेली रूटीन ऐसे कुछ फन मस्ती वाला ब्लॉग देखना है तो आप यहाँ पे आके अगर देखोगे आपके पास नोटिफिकेशन जा रहे हैं कि आज डाला है शोमली ने क्या शोमली के चैनल में एक स्किन केयर रूटीन, आप बोर हो जाओगे आपको आप इरिटेट हो जाओगे कि चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया था ब्लॉग देख के वो अभी रूटीन दे रहा है हेयर केयर दे रहा है ये वो दे, तो इसलिए मैंने किया। पर कुकिंग के साथ काफी रिलेट करते हैं ये चैनल तो कभी कभार दो एक कुकिंग वीडियो मैं दे देती हूँ
4 or 3 types of pasta, ELSC वगैरह ये सब बनाने का. तो पर अभी से मैं सोच रही हूँ एकदम से किचन चैनल में घुसूँ हमारे किचन में. तो यही है एक्चुअली मेरा वो फंडा. बस जितना मैं कर सकती थी मैंने किया और मुझे नहीं लगता कि और हाँ गार्डन चैनल में बहुत दिनों से कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा नेक्स्ट प्लानिंग था कि मेरे पास एक लहंगा था ना जो मिथुन लाके दिया था वो लहंगा मैं आपको दिखाने से लेके उसे प्रिपेयर करके लाने तक उसे पहन के आपको दिखाने तक एक वीडियो बनाऊंगी गार्डन चैनल में. पर सारे टेलर के शॉप बंद है वहां पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ. एक साड़ी से मैं लहंगा बनाने वाली थी पता है बहुत दिन पहले आपको बोला था कुछ नहीं कर पा रही हूँ. तो इसलिए वो गाड़ी क्या है मेरी आई होप कि आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो एवरी मेरे वीडियो में ऐसा ही बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिलेगा. बंद कर दिया. नहीं तुम्हारा तारीफ भी हो रहा है. तो अभी मैं जो करूंगी कि ये जो चिकन है ये मैं निकाल के रखूंगी. ओह माय गॉड कितना टाइट है आवाज सुना और लगता है कि कश्मीर आ गई हूँ. इतना धुआं है अंदर कितना अच्छा लगता है ना. बचपन में मैं यही एंजॉय करती थी. 3 packets चिकन इसलिए क्योंकि आज हम भी बिरयानी बनाने वाले हैं और ऑस्कर के लिए. ये लगता है हाथ से छूट जाएगा. अभी इसके अंदर मैं इसे भिगो के रख दूंगी. 3 packets नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली पर मुझे लेट्स चाहिए ज्यादा. आ गया छोला बाबा तो आ गया जहाँ पे मामा वहीं पे सोना बाबा. तो आज अचानक से बिरयानी बनाने का एक कारण है क्योंकि आज मैं अपने बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली पूछा था कि परफेक्ट बिरयानी राइस कैसे बनाया जाता है. बिरयानी तो वैसे बनाना ठीक है चलो हो जाएगा पर राइस अगर अच्छा नहीं बनता तो बिरयानी वो एरोमा वो लॉन्ग ग्रेन का राइस अगर नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आज मैं क्या करूंगी आज मेरा रेसिपी होगा हाउ टू प्रिपेयर परफेक्ट बिरयानी राइस मेरे शोमल्स किचन चैनल में. क्या क्या डालना पड़ता है कितने टाइम के लिए उसे बॉयल करना पड़ता है उसके बाद क्या करना पड़ता है फिर तो चिकन को अच्छे से कुक करके उसको स्टीम में दे देना वो बहुत आसान है पर बिरयानी राइस बहुत इंपॉर्टेंट है बिरयानी के लिए. तो वही आज मैं परफेक्ट बनाना दिखाऊंगी. तो जब बिरयानी राइस बनाना दिखाऊंगी तो उस राइस का क्या करूंगी तो इसलिए बिरयानी बना लूंगी. तो वो राइस बिरयानी राइस वाला वीडियो आपको शोमलीज किचन में मिल जाएगा. अभी भी 2 cooking मतलब रेसिपी मेरे स्टॉक में है उसे एडिट करके उसे आपके लिए पोस्ट करना है. सो गाइस अभी हम जा रहे हैं डेकाथलोन और मैं आपको बता दूं दिन ब दिन मेरा हालत खराब हो रहा है. घर भी बैठ बैठ के घर का काम कर रही हूँ फिर भी मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ क्योंकि मेंटली आपको पता है मैं कितने दिनों से एक्सरसाइज के अंदर हूँ. मैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था पता है मेरा मतलब क्या हुआ मेरा अगर इंस्टा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा मुझे एक शेप में मैं आ रही थी. सब कुछ गया मैं मेंटली मैं डिस्टर्ब हो रही. तो आज मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रही हूँ. मेरा जो पर्सनल ट्रेनर है उनको मैं लाना चाहता था पर सोसाइटी से अलाउ नहीं करे किसी भी विजिटर्स को इसलिए नहीं कर पा रही. तो मेरा जो पीटी है उनके साथ मैं अभी क्लास कर रही हूँ ऑनलाइन क्लास और इसके लिए उन्होंने कुछ लिस्ट दी है. तो वो सारी चीज़ें मैं आज भी डेकाथलोन से लाऊंगी और कल या परसों से मैं अपना सेशन शुरू कर रही हूँ. बिलीव मी गाइस अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पक्का मेंटली आप डाल भी जाओगे. सारी चीजें अभी फैशन ब्लॉग्स मैं देना बंद कर दिया. इंस्टा मेरा बिल्कुल क्लोज हो चुका है. तो एक फोटो डाल रही हूँ वो भी यहाँ तक का फोटो डाल रही हूँ बाकी अब नहीं कर पा रही हूँ. गर्ली चैनल मेरा बंद हो चुका है. सो गाइस ये है डेकाथलोन का हल. आप देख सकते हैं जो सारी चीजें हमें चाहिए थी वो सारे ले लिए हैं. सारे नहीं मिला मतलब वेट तो डंबल तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था. किसी ने रिटर्न किया तो मुझे 5 kg किसी ने हाँ किसी ने रिटर्न किया उसके बाद ही हमें 5 kg में मिला. अभी घर जाके शावर लेके ही होगा लंच बनाना. अभी बिरयानी का चिकन बन रहा है एंड गाइस सीरियसली मैं जाके बहुत बड़ा गलती कर दी
इतना लाइन था कि उस टाइम में मैं ना अपने घर का कितना सारा काम कर सकती थी, कुछ भी नहीं हुआ। आज मैंने सोचा कि अभी इस टाइम में बैठूंगी, ना ही हुआ एडिट, ना ही हुआ मेरा खाना बनाना, बस बिरयानी राइस जो कि मैंने बोला था कि शोमन किचन के लिए बनाऊंगी, तो बिरयानी राइस बन चुका है परफेक्ट, बिल्कुल बिरयानी राइस वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अभी इससे बिरयानी बना के हम लंच करेंगे बस यही, और वो भी बहुत ही जल्दी मैं बना रही हूँ। और राइस जबकि बहुत स्टेप बाई स्टेप बनाना पड़ा तो वो मैंने अच्छे से किया, और ये भी अच्छे से किया, पर थोड़ा सा जल्दी में आज मैं हूँ क्योंकि डेढ़ बज चुके हैं। अभी ये स्टीम पे भी नहीं बिठा है, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी कहीं पर भी जाऊंगी तो बस लाइन लग जाता है। दो या तीन करते थे या फिर जैसे पांच करते थे अंदर दे रहे थे, 70 पीपल के पीछे थी। अब सोचो इतना ज्यादा भी थकावट महसूस हो रही है, मतलब वहां से इतना देर तक लाइन में खड़े होके वो चीजें लेके आए, और इतना ज्यादा हेवी था पार्किंग से अपार्टमेंट का जो लिफ्ट का एंट्रेंस है वो बहुत दूर है, वो हेवी चीज हमें हाथ में ले लेके डंबल के साथ हमें आना पड़ा। तो जो भी हो, नहा धो के अभी खाना पिया, थोड़ा खाना पीना हो चुका है। नहीं नहीं मेरा नहीं, आपका क्या? अच्छा थोड़ा सा वहां से ले ये लेके आई और बस हो जाएगा उन्हें मसल। दिखाऊंगी जरूर, दिखाऊंगी बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय 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 बाय। मुझे नहीं दिखाती है, देखो कॉम्प्लेक्स आ गई है। क्या कॉम्प्लेक्स आ गई है? मैं तो दिखा रही, मुझे अच्छा ब्लॉगर बोल रहा है ना? अरे तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारी टी शर्ट को दिखा रही हूँ। इतने दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद मैं तुमको कुछ नया पहनते हुए देख रहे हैं आप। ट्रायल देके नहीं ला पाया ना तो छोटा हो गया। ट्रायल देके हम नहीं ला पाए, डेकाथलोन से कुछ उठा लाए क्योंकि क्या करे और कुछ, मतलब ये देखिए ये सामने जो कैप्शन वगैरह है, जो कि डिजाइन है, सब कुछ मिट चुका है धोते धोते, और ये पहन के हर रोज आपके साथ ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। मॉपिंग करने का जो कपड़ा होता है ना, जो घर जो मॉपिंग करते हैं हम, स्टिक से नहीं ऐसे हाथ से, वो कपड़ा जैसा बन गया। अभी इसके साथ वही करना पड़ेगा। तो मैंने तो सोचा कि लॉकडाउन में किस्मत में नहीं है, तो चलो हो गया आज कुछ टी शर्ट, तो वो धोने के लिए दिया है हमने, एक दो सूख गए तो मिथुन एक पहन के बैठा है। तो चलिए जो भी हो, बहुत बातें कर लिया, तो फिर अब से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। आधा अधूरा मिथुन।